लीला महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि ग्राफ्टेड प्लांट को कैसे अधिक से अधिक फूल लिया जा सकता है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ जो प्लांट है गुड़हल का है और एक ग्राफ्टेड प्लांट है दोस्तों, कलरफुल है। इसमें मैं दो कलर, तीन कलर ऐड की हूँ, तो दो कलर तो अभी मेरा खिल चुका है दोस्तों। तो देखिए कि यहाँ एक खिला हुआ है, यहाँ एक कली लिया हुआ है, और देखिए ये मैं नहीं बना पाई दोस्तों खिल कर, यहाँ ये मुरझा गया है। तो ये दो कलर आ चुका है दोस्तों, और तीसरा कलर अभी नहीं आया है। तीसरा कलर यहाँ है जो ये पिंक कलर का है। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ से मैं इसको ग्राफ्टेड की थी और इसमें मैं लाल कलर के ऐड की हूँ, और जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लांट जो पूरा है वो पीला कलर का है, जो ऐसे क्रीम कलर का देखिए यहाँ। तो कल खिल जाएगा दोस्तों, और इसमें बहुत सारा कली भी है, बहुत ज़्यादा कली आया हुआ है। देखिए दोस्तों पीला कलर का जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें कली भी है। तो ग्राफ्टेड प्लांट बहुत अच्छा तरह से सक्सेस होता है दोस्तों। तो मैं इसमें देखिए एक छोटा सा तेल का कंटेनर था उसमें मैं लगाई हूँ दोस्तों, जैसे देखिए। और ये इसका मदर प्लांट ये है दोस्तों, जैसे इसी में से मैं कटिंग लगाई थी, तो देखिए इसमें भी कितना ज़्यादा कली लगा हुआ है, और ये बहुत अच्छा तरह से फ्लावरिंग करता है दोस्तों। तो मैं ये प्रूनिंग जब कर रही थी तो इसी में से मैं इसको ऊपर इसमें फिर ग्राफ्टेड कर दी थी। तो देखिए आज इसका कितना सुंदर इस फ्लावरिंग हो रहा है इसमें। अरे पहला फूल है और यहाँ देखिए कि दूसरा है और यहाँ कली लगा हुआ है। तो दोस्तों ये अब फूल बहुत अच्छा तरह से देगा और बहुत फ्लावरिंग भी होगा। तो जैसे ग्राफ्टेड प्लांट यहाँ से मैं की थी, और देखिए कि यहाँ अभी यहाँ इसमें आइए रहा है दोस्तों, और ये ऊपर जाकर ग्रोथ बढ़ाया है, यहाँ से नहीं बढ़ाया, ऊपर जाकर बढ़ाया दोस्तों। तो ग्राफ्टेड प्लांट ऐसा होता है। और देखिए कि यहाँ नीचे की ओर भी ये फूल दे रहा था और मुरझा गया है। तो गुड़हल प्लांट का फूल तो एक दिन तो रहवे करता है दोस्तों। तो मैं कुछ कारणवश से ऊपर नहीं आया, इसलिए मैं दोनों फूल आपको खिला हुआ नहीं दिखा पाई। लेकिन मैं तो आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बहुत सारा ऐसा प्लांट बनाई हूँ जो आपके साथ शेयर भी करती हूँ। दो कलर, तीन कलर, ऐसे ही मैं बहुत प्लांट बनाई हूँ दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप प्रूनिंग नहीं करते हैं, छोटा प्लांट है तो आप थोड़ा सा ही लेकिन प्रूनिंग कीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये गुलाबी कलर का है, ये अभी आइए रहा है दोस्तों, इसको अभी फूल देने में टाइम लगेगा। दो कलर तो आ चुका है, जैसे आप देख भी रहे हैं दो कलर है, एक यहाँ भी है, और यहाँ से मैं ग्राफ्टेड की हूँ इसको। देखिए दोस्तों यहाँ से मैं ग्राफ्टेड यहाँ पर की हूँ। तो मैं बताती भी हूँ आपको कि आप टहनी में भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको ग्राफ्टेड अच्छा लगे। तो मैं यहीं से इसको बीचे कर दी थी, तो देखिए बीचे लाल हो गया, वो अगल बगल पीला हो गया। तो जब एक साथ पूरा खिलेगा दोस्तों तो बहुत सुंदर लगेगा, इसमें बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों समर आ गया है और इसको अधिक से अधिक फूल लेने के लिए हम लोग के गुड़हल में कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो। पूरी गर्मी, पूरी बरसात हम लोग का फ्लावर बहुत अच्छा अच्छा मिले। तो दोस्तों सबसे पहला क्या है कि आप इसको हल्का फुल्का प्रूनिंग किया कीजिए। प्रूनिंग कीजिएगा तो इसका नया ब्रांच आएगा, नया ब्रांच पर ही फूल आता है दोस्तों। तो जैसे देख रहे हैं कि ये ब्रांच कितना अच्छा अच्छा इसमें आया हुआ है, देखिए दोस्तों। और कली देखिए कितना ज़्यादा इसमें कली है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं आप दोस्तों, तो इसको आप प्रूनिंग कीजिए, हल्का फुल्का ही सही लेकिन प्रूनिंग क्या कीजिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रूनिंग की थी, तो देखिए अब जाकर इसमें ब्रांच आया है और सगरू चारों तरफ इसमें कली लिए हुए हैं। तो मैं तो अभी प्रूनिंग नहीं करूँगी दोस्तों, और जैसे प्लांट है उसमें मैं प्रूनिंग करते ही रहती हूँ, और बहुत ज़्यादा देखिए कटिंग में लगाई हूँ।
प्रूनिंग करती हूँ तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं कटिंग लगा देती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों प्रूनिंग करके क्या करना है कि प्रूनिंग कीजिए और उसके बाद आपको फिर गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के बाद अगर आपका जड़ ज़्यादा आ गया हो तो रिमूवल कीजिए, गमला चेंज कर दीजिए। और अगर नहीं, बहुत ज़्यादा जड़ नहीं है तो दोस्तों हल्की फुल्की उसको काटिए, गुड़ाई 2 इंच कीजिए। और 2 इंच करने के बाद उसमें आपको रिंग नुमा बनाना है। तो मैं दिखाती हूँ दोस्तों, जैसे कि आपका ये प्लांट है तो इसको आप गुड़ाई केयर करने के बाद रिंग बनाइए, रिंग बनाकर इसमें खाद दीजिए। तो खाद कैसे देना है दोस्तों, तो ये भी इस देखिए दोस्तों, एक कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। तो फूल अगर खिला हुआ नज़र आए दोस्तों तो इस तरह से आप तोड़ दिया कीजिए, नहीं तोड़िएगा तो आप सीड बनाने लगेगा तो आपका ग्रोथ ही रोक देगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें भी कली लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा इसमें देखिए ग्रोथ है। मैं कलम से इसको लगाई थी और सबका मदर प्लांट ये है दोस्तों। तो जैसे देखिए कि इसमें आप गुड़ाई कर रहे हैं, गुड़ाई करने के बाद आपको यहाँ से पूरा गुड़ाई कीजिए और रिंग नुमा बनाकर इस तरह से मिट्टी को आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप 2 मुट्ठी गोबर की खाद हो या पत्ती के खाद, आपके पास जो भी खाद हो, तो इसको इस तरह से आपको दे देनी है। और देने के बाद उसमें क्या करना है दोस्तों कि थोड़ा सा पानी में DAP का घोल बनाइए। अगर इतना बड़ा पॉट है तो 5 दाना आप डाल दीजिए, अगर इतना बड़ा पॉट है तो आप 10 दाना डाल दीजिए। तो आपको क्या करना है कि उसमें थोड़ा देर ही 1-2 मिनट के लिए उसमें डालकर छोड़ देनी है। और उसके बाद इसमें आप जब इसमें डालिएगा गोबर डालिए या कोई भी खाद, तो इस तरह से ढक दीजिए और उसी पानी को आप ऊपर से फिर डाल दीजिए। और डालने के बाद दोस्तों इसको छोड़ दीजिए। तो आपको पूरा गर्मी, आपको पूरी बरसात, आपको बहुत अच्छा अच्छा फ्लावरिंग भी करेगा और बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ भी आएगी। तो फूल जो भी होता है दोस्तों न्यू ही ग्रोथ पर आती है। जैसे इसमें देख रहे कितना नया नया लीव्स इसमें आ रहा है, तो कोई भी ब्रांच जो भी नया होता है उसी पर आएगा, नहीं तो आपका फूल नहीं आता है दोस्तों। पुराना ब्रांच पर फूल आता ही नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ दोस्तों, हल्का ही, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ है, आप इतना ही प्रूनिंग कीजिए। अगर इतना प्रूनिंग कीजिएगा तो यहाँ पर तो नया ब्रांच आएगा ही, अगर नया ब्रांच आएगा तो आपको फिर यहाँ पर 2 ब्रांच आएगा तो 2 तरफ से फूल आएगा। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा ब्रांच इसमें आ रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ से प्रूनिंग की थी, देखिए यहाँ से मैं की थी प्रूनिंग, यहाँ जैसे दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ से की थी। तो देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा इसमें घनत्व आ गया, कितना ज़्यादा इसमें ग्रोथ आ गया। तो इसी तरह से ब्रांच भागेगा ये, अभी अभी और ज़्यादा ये फरकेगा दोस्तों, तब समझ आएगा कि कितना ज़्यादा इसमें ग्रोथ भाग रहा है। तो इसी तरह से आप कीजिए, समर में ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं तो धीरे धीरे आप लोग को बताते ही जाती हूँ, जब भी प्रूनिंग करती हूँ चाहे जो भी करती हूँ तो मैं शेयर करते ही रहती हूँ दोस्तों। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्राफ्टेड प्लांट मिलेगा आपको। मैं एक वीडियो पोस्ट की हूँ जो 4 कलर के बनाई हूँ, बहुत सारा जो आप लोग लाइक भी दिए हैं, बहुत प्यार दुलार भी दिए हैं दोस्तों। और देखिए एक दूसरा है जो 3 कलर है, फिर आप देखिएगा तो 2 कलर 3 कलर ऐसे ही मेरा प्लांट हमेशा रहता है। मैं अपने से ही ग्राफ्टेड बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ दोस्तों। अगर आपको ग्राफ्टेड करना है तो रेनी सीजन बहुत अच्छा होता है। अभी का मौसम में आप ग्राफ्टेड नहीं करिए, क्योंकि अभी का मौसम में करिएगा तो ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। आप रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है। तो ये हो गया, अगर आपको अभी पत्ती पीला हो गया है या आपको जैसे देख रहे हैं पीछे मेरा जो प्लांट है ये भी पीला कलर का है, ये पीला पत्ती इसमें कुछ नज़र आ रहा है, तो समर में ऐसा होता है। अगर ज़्यादा अगर पीला हो तो उसमें फिर आपको मैग्नीशियम सल्फेट डालना पड़ेगा दोस्तों, उसका छिड़काव करना पड़ता है। और नहीं तो ये नेचुरली है, ये अभी इसका पत्ती झरेगा पीला होगा तभी तो नया नया ब्रांच आएगी, नया ग्रोथ आएगा, नया पत्ती आएगी।
तो इस तरह से करना है दोस्तों। और आपको ग्राफ्टेड अगर करना चाहते हैं तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राफ्टेड होता है, कैसे होता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर।